खुदावंद यहोवा पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग इस वक्त ब्रसल में यूरोपियन पार्लियामेंट का जो इंटरनेशनल प्रेस सेंटर है उसके सामने खड़े हैं। पीछे हमारे यूरोपियन पार्लियामेंट है और हम लोगों ने आज यहाँ पर एक मीटिंग एक कॉन्फ्रेंस जो थी उसको अटेंड किया, जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर समेत कुछ मीडिया के लोग थे और हमने अपनी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़, जैसे कि हम करते हैं हमेशा, हमने बुलंद की है और हमने जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से बात किया कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसको यूरोपियन जो यूनियन है उसको सख्ती से देखना चाहिए, पाकिस्तान को पाबंद बनाना चाहिए कि वो जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसको रोके और उसको मशरूत करें पाकिस्तानी मसीहों के, चाहे मसीहों को भी मैं कहता हूँ कि हमें अकलियतों की बात करनी चाहिए तो अकलियतों के हकूक के हवाले से उनको सख्त होना चाहिए। तो मैं बाकी हमारी पूरी टीम, हमारे जो दोस्त हैं वो यहाँ पर शामिल मौजूद हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा इजाज़ भाई से मैं बात करूँगा। इजाज़ भाई आप कुछ कहना? हमने एक बात की मांग की है कि पाकिस्तान में मसीही और दूसरी गैर मुस्लिम बच्चियों के अगवा, रेप और कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान में विफाकी सतह के कानून की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप पाकिस्तान के साथ एंगेज हो क्योंकि अगले एक साल में पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ये बात शामिल करें कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज को और अंडर एज मैरिज को रोकने के लिए लॉ बनाया जाएगा जिसको पूरे पाकिस्तान में नाफिज किया जाए। शुक्रिया। हाँ जी, जैसे कि जाज भाई बोले हैं, वॉटसन भाई बोले हैं, तो हम लोग इनके साथ हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जो ये कह रहे हैं उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन प्रैक्टिकल करे। अगर वो नहीं हमारी बात को मानेंगे तो हम बार बार आके ये दरवाजे को खटखटाएंगे और अगर हो सका तो हो सकता है सितंबर में या अगले आने वाले महीनों में हम लोग हो सकता है स्विट्जरलैंड भी जाएं, जिनेवा में, तो वहां जाकर भी हम लोग अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों की और कम्युनिटी की आवाज को बुलंद करेंगे। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने आज हमें ये मौका दिया कि हम अपने बहन भाइयों के लिए एक दफा फिर इसलिए बोला है कि हम बार बार ये काम कर रहे हैं और हमें जब भी मौका मिलता है हम अपने मसीह बहन भाइयों की आवाज़ बन रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मानना है कि अगर आज हम यूरोप में हैं, आज अगर खुदावन ने मौका दिया कि हम यूरोपियन पार्लियामेंट में आकर बात कर सकें तो हम अपने बहन भाइयों के एम्बेसिडर हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, और आज भी यहाँ पर जब हमें मौका मिला तो हमने प्रोसिक्यूशन पर बात की, जैसे कि इजाज भाई ने बोला कि हमने जो था अंडर एज मैरिजेस के बारे में बात की और वहाँ पे कानून साजी के बारे में बात की गई, लेकिन हमने आज भरपूर तरीके से अपने बहन भाइयों की आवाज़ को बुलंद किया और उनकी नुमाइंदगी आज यहाँ पर हमने पेश की ताकि वो ये ना समझे कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं। मैं इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि कल भी हम अपने बहन भाइयों की आवाज़ थे, आज भी हम अपने मसीह बहन भाइयों की आवाज़ हैं और जब तक जिंदा रहेंगे अपने मसीह बहन भाइयों की आवाज़ बनकर रहेंगे और यहाँ पर आते रहेंगे। इस सेमेस्टर के पास्टर नदीम के पास जाएं हम, उनका कमेंट नहीं, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस डेलीगेशन में बेल्जियम के जो दोस्त थे उनमें बिशप अशोक कोकर साहब, उनमें परवेश भट्टी साहब, उनमें नजम सलीम साहब और मैं नाम भूल रहा हूँ, तो ये लोग थे। दूसरी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पास्टर इमरान ने वहाँ पर एक बड़ी मजबूत बात की कि यूरोपियन पार्लियामेंट को हमने यही है नहीं करना, हमने उनको उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना है कि उन्होंने ये करना है, क्योंकि अभी तक 10 साल में उन्होंने हमारी पटिशनें ली हैं और कचरे के डब्बे में फेंकी हैं जैसे पाकिस्तानी एम्बेसी करती है। तो मैं इस बात को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हमने यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने जब भी एहतजाज करना है और जब भी, तो हमें अपना मौकफ सख्त करना होगा। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर नदीम से कि प्लीज मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जो रूल रेगुलेशंस हैं इस कंट्री की उनको हम फॉलो करते हैं और जो कुछ हम करते हैं ये हमारा हक है। इसके साथ ये मत भूलें कि हमें अपने खुदावंद के सामने झुके रहना है और दुआ करनी है कि वो हमारी इन इल्तिजाओं को सुने और पाकिस्तान में जो हम चाहते हैं कि एक आज़ादी हो और एक आज़ाद मुल्क हो, उसके लिए भी खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाए और उनके दिलों को भी नरम करे जो इस वक्त सख्त दिल होकर या कम्युनिटीज को कुछ समझते नहीं है। तो खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।